अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं fastbike.tv। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर खुदकुशी प्रकरण तूल पकड़ चुका है। दबिश से परेशान एक आरोपी संजय मोतला द्वारा खुदकुशी कर लेने के बाद पुलिस के कदम जरूर ठिटक गए हैं, तो अधिवक्ताओं ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस कार्रवाई के लिए दिए गए 3 दिन का आज अंतिम दिन था। अधिवक्ताओं ने आज सभा की और अल्टीमेटम की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। 22 को फिर से सभा होगी और उसमें अगली रणनीति पर विचार विमर्श का निर्णय लिया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रोहिताश्रय अग्रवाल ने 20 फरवरी को इस प्रकरण के विरोध में प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक व अन्य के खिलाफ वकीलों के आंदोलन की सीमा जिले से निकलकर प्रदेश तक तेजी से फैलने के कारण पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। पुलिस के एक तरफ सत्ताधारी भाजपा के विधायक दिनेश खटीक व अन्य हैं, तो दूसरी ओर अपना दमखम दिखाते अधिवक्ता। इस बीच संजय मोतला के शव को लेकर ग्रामीणों के दौराला थाने पर धरना दिया। ग्रामीण ओंकार तोमर के बेटों समेत कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। आपको याद दिला दें कि बीते 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया था। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अधिवक्ताओं के दबाव के कारण बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश की जा रही है। आरोपियों के ना मिलने पर उनके परिजनों को पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने 15 फरवरी को भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा विधायक समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज इस अल्टीमेटम के आखिरी दिन मेरठ कचहरी स्थित नानक चंद सभागार में एक बार फिर से सभा हुई। सभा में अधिवक्ताओं के तीखे तेवर देखने में आए। आई चलते हैं नानक चंद सभागार। दिमाग ही खराब है बिल्कुल। ये बताइए कि एक एसएसपी सामने खड़े हैं वकीलों को बेवकूफ बता रहा है कि विधानसभा से परमिशन ली जाएगी। विधानसभा से परमिशन की जरूरत है? केवल चार्जशीट में जरूरत पड़ती है। जब चार्जशीट लगाते हैं तब जरूरत पड़ती है परमिशन की। और दूसरी चीज, भाई राजपाल सिंह का नाम लेकर समाजवादी पार्टी और फला पार्टी डिग्री पार्टी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी सिर्फ काला कोट है। पार्टी सिर्फ काला कोट है। और अगर इस भाई ओंकार के लिए जान भी देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। उसके लिए अगर कोई दूसरा वकील शहीद होगा तो अनिल जंगाला शहीद होगा। और मेरी अपील है आपसे कि बार काउंसिल चेयरमैन साहब से तुरंत संपर्क करो और पूरा प्रदेश बंद कराओ। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा भी विधायक की गिरफ्तारी न होने पर खासे नाराज नजर आए। आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और सारा शासन भी जानता है। उसके दबाव में एक हमारा अधिवक्ता जान दे देता है और हम उसके न्याय के लिए उसके दोषी लोग को गिरफ्तार करने के लिए आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबाने के लिए कोई सत्ताधीश विधायक ये क्यों ना मान लिया जाए। और ये मानना भी चाहिए, हमेशा करना चाहिए। जब हम लोग किसी केस को लेते हैं तो हमारी सारी जो लड़ाई होती है सबसे शुरू होती है। ये क्यों ना माना जाए और क्यों ना मान लिया जाए कि ये जो कल जो आत्महत्या हुई है या करी गई है, लटकाया गया है, ये भी सत्ताधीश विधायक के कारण हुआ होगा। ये क्यों नहीं माना जा सकता? ये हमारे आंदोलन को, हमारी मांग को दबाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र है। ये क्यों ना माना जाए? मैं अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन, आज जो हमारे यहाँ मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय हुआ है कि हमारी आगे 2 दिन हड़ताल रहेगी। पूर्ण रूप से कोई भी अधिवक्ता किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई रजिस्ट्री होगी। इस बीच में कहीं भी कोई कार्य नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 2 दिन में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए, जो नामजद अभियुक्त हैं
तो हम फिर आगे की जो नीति है वो कल को एक अपने सीनियर्स की मीटिंग बुलाकर पूर्व अध्यक्षगण की, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। कल तक नहीं होती है और फिर सोमवार के बारे में विचार विमर्श करके, यदि मीटिंग करनी है तो सोमवार में कोई मीटिंग करके तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से आगे आंदोलन को चलाया जाएगा। ये क्या केस को पुलिस कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, फिर जो अभियुक्त है? देखिए, मैं जो मुझे अपुष्ट सूचनाएं हैं, जिस तरह से ये रात की घटना है, जो उसके बारे में मुझे ज्ञात हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एक्चुअल उसकी बड़ी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच संजय मोतला का शव लेकर ग्रामीण सीधे दोराला थाने पहुंचे और ओंकार तोमर के बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। मांग पूरी ना होने पर वे सभी थाने पर ही धरना देकर बैठ गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय मोतला के भाई ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी। थाने में इसलिए आए, सुबह से हमारे कल भाई का दुर्घटना हो गई थी, सुबह से हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। क्या आपकी डिमांड है ये बताएं? डिमांड हमारी क्या, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसे कह रहे आदमी एक आदमी का नाम कम करो। सुसाइड नोट में किसके खिलाफ सुसाइड नोट है, क्या पूरा मामला सुसाइड है? तो वकील मरा है ओमकार तोमर, उस पर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा। जो उन्होंने लिस्ट दी थी उसमें मेरे भाई का नाम था। अच्छा जी। उसी वजह से मेरे भाई को पुलिस ने और उसके घर वकील के घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा है, इसीलिए उसने आत्महत्या करी है। पांच आदमी पुलिस वालों के साथ अपनी गाड़ी में घूमते थे, हमारे घर आते थे और हमारे औरतों के साथ बदतमीजी करते थे, पुलिस वाले भी और वो आदमी भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।